What's up guys, welcome back to my channel, this is Rickky Thakur. तो चलिए बात कर लेते हैं जैक स्नाइडर कट की. जी हाँ, जस्टिस लीग की स्नाइडर कट जो है रिलीज हो चुकी है और रिलीज के बाद ये मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या ये आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए और इसकी लेंथ कितनी लंबी है. सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है. तो इस मूवी को बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है. जैक स्नाइडर कट आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि मैंने खुद 4 घंटे लगाकर ये मूवी देखी है. जी हाँ, इसकी जो लेंथ है वो 4 घंटे की मूवी है और मैं आपको बता दूं कि बीच में मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ. एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये मूवी छोड़ के कुछ और देखना चाहिए या मोबाइल में कुछ और चेक कर लेता हूँ. और ये मूवी वाकई ही जस्टिस लीग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक एक करेक्टर, जितने भी करेक्टर हैं, सबको बिल्डअप किया गया है, सबकी जो पहचान बताई गई है, कौन से करेक्टर की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और वो इस सीरीज़ में क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन बहुत ही अच्छे ढंग से की गई हैं, जैसा कि पिछली जस्टिस लीग में नहीं किया गया था. उसमें फाइटिंग बहुत ज़्यादा थी और कौन क्यों आके लड़ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था, बस लड़ाई चल रही है, अच्छे और बुरे की लड़ाई चल रही है. लेकिन इसमें हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है और जिस तरीके से नेगेटिव रोल निभा रहे जो करेक्टर हैं उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से उनके करेक्टर को बिल्डअप किया गया है और पॉजिटिव वालों को भी एक एक करेक्टर को बड़ी ही अच्छे तरीके से स्क्रीन पे उतारा गया है. नेगेटिव फैक्ट भी हैं इसके और वो नेगेटिव फैक्ट मुझे ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं लगे. मुझे लगा कि हाँ, हम एक बार तो इसको देख ही सकते हैं, पचा सकते हैं क्योंकि फिल्म का जो बजट था, क्योंकि अभी दोबारा से ये पूरी फिल्म को तैयार किया गया और बजट इतना ज़्यादा नहीं था और थिएटर्स में भी रिलीज़ नहीं होनी थी, तो थोड़ा सा मुझे VFX इसके बीच बीच में खटक रहे थे कि ये VFX कुछ और ज़्यादा अच्छे हो सकते थे या फिर इसकी लेंथ जो 4 घंटे की बजाय 3.5 घंटे हो सकती थी. तो ये ही चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगी, अदरवाइज ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और पुराने जस्टिस लीग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मूवी आपको देखो ही देखो. और इस मूवी का स्पेशल बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है. इसमें गाने जो डाले गए हैं वो बड़े जस्टिफाई करते हैं एक दूसरे को और ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ बिना मकसद के नहीं डाली है इस फिल्म में. और लास्ट का जो आधा घंटा है उसमें आप थोड़े बहुत हो सकते हैं चीज़ें, मतलब कि ये क्यों ट्रेजर्स दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आगे वाली सीरीज़ की भी यहाँ पे आपको हिंट दे दिए हैं कि बहुत जल्द वो आगे की सीरीज़ भी लेकर आएंगे. अगर नहीं आए तो हम थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये मूवी बर्थफुल है. और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये आपको बुक माई शो में जाके देखने को मिलेगी. वहाँ पे 150 रुपये की टिकट लीजिए और इस मूवी को इंजॉय कीजिए. बहुत ही प्यारी मूवी है और मुझे लगता है कि ये आप सबको जो कि एक्शन मूवीज़ के फ़ैन हैं, जो जस्टिस लीग के फ़ैन हैं, जिनको किसी की मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, उन सबको ये मूवी जाकर देखनी चाहिए और ये मूवी आपका पैसा वसूल करवा देगी. जी हाँ दोस्तों, मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है. और जितने भी दोस्त इसको बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार अब बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और उनको ये मूवी देखकर मज़ा आने वाला है. वर्थफुल है ये मूवी, देखिए इंजॉय कीजिए और मुझे भी बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी. अगर आप मेरी बातों के साथ सहमत है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.